Now let us start solution for this problem for course code MEC 101. ठीक है, ये जो problems आप दिख रहा है monopoly वाला, तो इसमें कुछ different type का questions दिया गया है. Something new thing is added in this questions like products and function. तो first read out the question. A monopolist uses one input x. We see purchase at the fixed price x equal to 5. एक monopolist है, जो x input, एक ही input, single input को use करता है, जिसको खरीदता है fixed price पर 5 रुपया, constant price पर. ठीक है, to produce her output q, his demand and production function is a given here. It is a demand function p equal to 85 minus 3 q. And q equal to 2 under root x is the production function. Derive the equilibrium output, the equilibrium profit. ठीक है, तो क्वेश्चन कहां से स्टार्टिंग करना है हमको? प्रोडक्शन फंक्शन. तो प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है क्यूब इक्वल टू टू अंडर रूट एक्स. ठीक है, अब यहां कुछ काम करना पड़ेगा. इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, टू अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्यूब. ठीक है, हम इसको प्लग कर ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्यूब बाय टू, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्यूब बाय टू. अब इधर रूट है, तो रूट का मतलब क्या है? वन बाय टू है, तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा या स्क्वायरिंग बॉक्स साइड, तो ये चीज होगा. ठीक है, स्क्वायरिंग बॉक्स साइड, यहाँ टू टू कट के एक्स हो जाएगा, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर. तो x इक्वल टू क्यूब स्क्वायर बाय 4, यही आएगा. नाउ अब इसका कॉस्ट फंक्शन अपने से बनाना पड़ेगा. मोनोपोली यूजेस वन इनपुट x एट द कांस्टेंट प्राइस x इनटू कांस्टेंट जो प्राइस है x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5x हो जाएगा. ठीक है, x स्मॉल लेटर में लिखो. ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन कॉस्ट फंक्शन, हम कॉस्ट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू किसका? एक्स का, क्योंकि इसको हमको बनाना है सी इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट दैट इज क्यू. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, सी लिख देते हैं. अच्छा, कॉस्ट फंक्शन ही लिख देते हैं, कॉस्ट फंक्शन. तो c इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू ये निकला है क्यूब स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब स्क्वायर बाय 4. कॉस्ट फंक्शन निकल गया. अब क्या है, tr निकालना है. तो tr का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू निकालना. तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? p इंटू क्यू. डिमांड फंक्शन दिया गया है भाई, यहाँ पर देख लो, 85 माइनस 3 क्यूब इंटू क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 85 क्यूब माइनस 3 क्यूब स्क्वायर. जब हमें टी आर मालूम हो ही गया, कॉस्ट फंक्शन हमारे सामने है, तो प्रॉफिट निकालना हमारे लिए बायां हाथ का खेल है. ठीक है, विद द गिवन टी आर एंड टोटल कॉस्ट वी आर इन पोजिशन टू फाइंड द प्रॉफिट. As we know, profit equal to TR minus TC. TC, ठीक है? दोनों का वैल्यू आपके सामने है. Pi equal to TR, ये निकला है 85 cube minus 3 cube square और minus TC का वैल्यू ये है, जिसको total cost को denote C से भी करते हैं. ठीक है? तो 5 cube square by 4. This is the profit function we got so far. ये profit function है. अब इसमें first order और second order condition for profit maximization करेंगे. तो first order condition करते हैं. FOC, first order condition. इसको क्या है कि पाई का डेरिवेटिव लेंगे प्रॉफिट फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में? क्यूब के रिस्पेक्ट में, और उसको सेट करेंगे इक्वल टू जीरो. टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू
क्यूब आउटपुट सेटिंग इनटू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका आपका प्रॉफिट फंक्शन ये है, हम यहाँ लिख देते हैं पार्ट टू, देखने में हमें भी असुविधा हो रही है, आई एम फेसिंग इनकन्वीनियंस टू वॉच प्रॉफिट फंक्शन, माइनस थ्री क्यूब स्क्वायर माइनस फाइव क्यूब स्क्वायर बाय फोर, यही है भाई, 85 क्यूब थ्री क्यूब स्क्वायर माइनस फाइव क्यूब स्क्वायर बाय फोर, इसको हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट क्यू, तो नाउ रिजल्टेंट 85 3 2 जा 6 क्यू एंड माइनस 5 2 जा 10 क्यू बाय 4 इक्वल टू 0, टेकिंग द एलसीएम ऑफ एलसीएम 4 आएगा, तो 4 टाइम्स 85 340 हो गया, माइनस 6 4 जा 24 क्यूब माइनस 10 क्यूब इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0, यस यस, तो ये 4 जाके उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ये दोनों 340 माइनस ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 34 क्यूब, 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने निकाला 340 माइनस 34 क्यूब इक्वल टू 0, यही आया। अब शिफ्ट कर देते हैं 340 को RHS साइड में, तो माइनस 34 क्यूब इक्वल टू माइनस 340, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर क्यूब इक्वल टू 340 बाय 34 इक्वल टू 10। तो क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला भाई, 10 निकाला, दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। इक्विलिब्रियम आउटपुट हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाला, 10 निकाला, जिसको डिनोट कर रहे हैं क्यूब हैविंग अ स्टार ओवर इट हैड, ठीक है। अब क्या है, हमको निकालना है इक्विलिब्रियम प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने से पहले हमको प्राइस निकालना पड़ेगा, इधर करते हैं तो प्राइस निकालते हैं, तो प्राइस का हमारा दिया हुआ क्यूब इक्वल टू 85 माइनस 3 क्यूब। अब क्यूब हम लोगों ने निकाला कि क्या है, क्यूब इक्वल टू 10, तो 85 माइनस 3 इनटू 10, 85 माइनस 30, ठीक है, तो 55 होगा, तो प्राइस हमारा 55 हो गया, क्यूब इक्वल टू 10 हो गया, सो हाँ यस। तो अब हम प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, तो पाई बराबर जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था टी आर माइनस टी सी, पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, अब यहाँ टी आर है तो टी का वैल्यू टी इंटू क्यू और माइनस टी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, टी सी वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। टी सी टोटल कॉस्ट का हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, अच्छा पहले टी आर निकाल देते हैं, 55 इंटू 10, अब टी सी जो हम लोग कॉस्ट फंक्शन को मिटा दिए, जरा कॉपी से लिखना पड़ेगा, कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू टी से निकाल सकते, एक सेकेंड, टी बराबर हम लोगों को 55 आया, टी इक्वल टू 55, तो क्यू इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्यू बाय 2, तो एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब C में इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5x था, तो 5 इंटू क्यूब स्क्वायर बाय
4, तो 5 क्यूब स्क्वायर बाय 4 ये हमारा है। अब क्यूब का वैल्यू हमारा क्या है निकला, ऑब्वियसली हम सीधे निकाल लेते हैं, तो 5 इंटू 10 का पावर 2 बाय 4 ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 बाय 4 ये 125 आया, तो यहाँ 125 से सबट्रैक्ट कर देंगे, ये 550 माइनस 125। अब यहाँ ये मान लो 500 में 100 चला गया, सॉरी 100 तो 400 आया, और 50 में 25 गया तो 425 यानी 425 इज इक्विलिब्रियम प्रॉफिट ठीक है। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस कंसेप्ट एंड शेयर माई वीडियो टू एज मच एज यू कैन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इट। जय हिंद।